श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे महामत हुकुमे यों कर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीसरा प्रकरण श्री राज्य के चरण कमल का वर्णन है। तो आरंभ में तो इसमें भी और बहुत सी बातें करेंगे, फिर आगे जाकर के चरण की बात करेंगे। शुरू में थोड़ा चरण कमल की बात कर रहे हैं, फिर आगे और बात करेंगे। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, आशिक इन चरण की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों की अनुरागिणी हैं ब्रह्मात्माएं। आशिक की रूह चरण, तो अनुरागिणी आत्माओं की आत्मा है वास्तव में। तो आशिक की रूह वो उन चरणों का अंग है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मात्मा इन चरणों की अनुरागिणी है, चाहक है, किसके साथ साथ में इन चरणों के अंग भी है। तो ये कहना चाहते हैं, ए जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन। तो ये ब्रह्मात्मा है, अपने तन का तात्पर्य तो अपना शरीर अंगी, जैसे ये अंगूठा है, हाथ का अंग हो गया, और पूरा शरीर अथवा हाथ इसका अंगी है और ये अंग हो गया। तो अपना तन कहने से अपने अंगी, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बिना, अब उनके चरणों के बिना ये कैसे रह सकती है, उनकी उनका वियोग नहीं सहन कर सकती। जो रूहे अरश की मोमिन, जो परमधाम की आत्माएं हैं, तीन सब की ये निश्वत, उन सब का ये संबंध है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ उनका ऐसा संबंध है। दिल मोमिन अरस इन मायनों, इस अर्थ में ब्रह्म आत्माओं का दिल है वो परमधाम है, क्योंकि इन दिल में हक सूरत, उनके हृदय में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप अंकित हुआ है। हक सूरत रूहे मोमिन निश्वत ए असल, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, उसमें से ही ब्रह्मात्माएं हैं। निश्वत ये असल, असली संबंध तो ये है। मोमिन रूहे कही अरस की, तो अरस कया दिल, मोमिन दिल, ये ब्रह्म आत्माएं परमधाम की कही गई है, परमधाम की है मूल रूप से, इसलिए इस दुनिया में भी उनका हृदय परमधाम बन जाता है। उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान होते हैं, इस प्रकार वो दुनिया में भी परमधाम बन जाता है। ये चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल माए, कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दोनों चरण कमल मेरे हृदय में उन्होंने आकर के स्थापित कर दिया। तो अर्षक या दिल मोमिन, तो इस प्रकार ब्रह्मात्माओं का हृदय परमधाम कहा है। आई न्यामत हक है जाहे, जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान होंगे तो वहाँ परमधाम की सारी संपदा आ जाती है। ये चरण हुए अर्ष माशुक, तो मासुक की ये चरण है, यही तो परमधाम है। वह अरस चरण दिल एक, तो दिल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण स्थापित किए हैं, इसलिए ये दिल परमधाम बना है। तो ये चरण ही परमधाम है, इसलिए दिल भी परमधाम बन गया, इस प्रकार एक भाव है कहने का।
ए वाहे दत्त जुदागे क्यों सहे, जो ताले लिखिए न नेक। जिन ब्रह्मात्माओं के भाग्य में ही ये नेक बात लिखी है, बहुत अच्छी बात लिखी है, ये ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग होने का, वो इन चरणों से भी वो कैसे कर सकती है, इन चरणों को कभी भूल ही नहीं सकती है। अरस अरवाज वाय दत्त में सो सब तलेह का नजर। अद्वैत परम धाम में जो भी ब्रह्मात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के समक्ष बैठी हुई है, वो उनके नजर तले ही है, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दृष्टि में ही बनी रहती है, उससे इधर उधर ओझल नहीं होती है। इस कसुर आई हाथ के रुओं पिलावे भर भर। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या करते हैं, प्रेम के वो प्रेम के पात्र से, तो अपने हाथों से प्रेम के पात्र में से प्रेम भर भर करके उनको पिलाते रहते हैं। इस कहा करके दिल में सो दिल पूर्ण गंजा पार। प्रेम तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में होता है, और वो हृदय पूर्ण गंजा पार अथाह प्रेम से भरा हुआ है, तो उसमें कभी प्रेम कम होता ही नहीं है। समुद्र की भांति है, समुद्र में जैसे जल कभी समाप्त नहीं होता, इसी प्रकार से कभी प्रेम समाप्त होने वाला नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। असल तन इत जिनो सो ए रस पीवन हार। तो जिनका असल तन परम धाम में है, ये ब्रह्मात्माएं ही इस दुनिया में भी उस ब्रह्मानंद रस को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम रस को पी सकती है। वो पीने वाली वही होती है, उनको ही प्रेम का मालूम होता है। सराबह कसुराई का पिया अरवाह। जिन आत्माओं ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय का प्रेम पान किया है, आठों जाम चौसठ घड़ी सो उतरे मस्ती तीन, तो उनको तो आठों प्रहर चौसठ घड़ी सदैव वो प्रेम की मस्ती बनी रहती है, सदैव वो आनंद में मस्ती में रहते हैं। असल अरवाह अरस की जो है रूह मोमिन, तो परमधाम के ये ब्रह्मात्माएं हैं, ये तो असल में परमधाम की आत्माएं हैं। एक निश्वत जाने हक की जिन मासुक प्यारे चरण। ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के संबंध को ही जानती है और तो कहीं जानती नहीं है, और वो भी कैसे जिन मासुक प्यारे चरण। तो जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल ही प्रिय है, इसलिए वो पूर्ण ब्रह्म को ही जानती है, दूसरों को किसी को जानती नहीं है। मोमिन वासा चरण तले, इन्हीं चरणों के नीचे ब्रह्मात्माओं का रहना है, मतलब ब्रह्मात्मा इन्हीं चरणों में रहती है। अरस अरवाह का मूल, परमधाम की आत्माओं का मूल यही है, यही चरण कमल है। मोमिन आए इत अरस से, ब्रह्मात्मा इस नश्वर जगत में भी परमधाम से आई है। तो फुरमान लाए रसूल, ब्रह्मात्मा परमधाम से आई है, इसलिए उनके लिए संदेश लेकर के आए हैं रसूल, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों ने तो अपने मान लिया, बाकी मूल रूप से तो वो ब्रह्मात्माओं के लिए वही समझ सकती है, ये कहना चाह रहे। तो कया मोमिन खाना दीदार, पीना पानी पीना दोस्ती हक। तभी ब्रह्मात्माओं के लिए कहा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन यही उनका आहार है, और दोस्ती हक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दोस्ती क्या है, उनके साथ प्रेम करना, तो यही उनका पानी पीना है, खाना पीना, तो उनके दर्शन करना, उनके प्रति प्रेम भाव रखना, यही उनका खान पान है। तवाफ सेजदाई तही, तवाफ बोलते परिक्रमा को, और सेजदाई तही, तो परिक्रमा का तात्पर्य क्या है, कि हमेशा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को ही याद करेंगे, उसी के इर्द गिर्द ही रहेंगे, उससे दूर नहीं होंगे, तो वो परिक्रमा हो जाती है। और सेजदा नमन, वो सब पूर्ण ब्रह्म ही हैं। करे रूह कुर्बानी मुतलक, तो आत्मा तो निश्चित रूप से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में समर्पित होती है।
रूहें अब्बल आखर इतही मोमिन ना दूजा ठौर। तो रूहें ब्रह्मात्माएं तो शुरू से लेकर के अंतिम तक इन्हीं चरणों में रहती है, मोमिन ना दूजा ठौर, उनके लिए दूसरा कोई स्थान ही नहीं है। कहे चौदह तबक जरा नहीं बिना वाहिदत ना कछु औरा। वैसे तो ये चौदह लोक का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अद्वैत भूमिका के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। इसलिए ब्रह्मात्माएं नश्वर जगत को देखती है तो भी तो परमधाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में ही रहती है, चरणों में रहते हुए ही दुनिया को देखती है। यथार्थ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों से दूर होकर के दुनिया नहीं देख रही है, तो उसको अनुभव नहीं हो रहा है, बस उतना ही अंतर है। जो अब भी जाहिर ना होती बका हक सूरत, यदि अभी भी दुनिया में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप नहीं बताया जाता तो क्यों होती दुनिया हयाती, तो दुनिया अखंड कैसे हो सकती, क्यों विष्ट द्वार खोलता तो वैष्ट के द्वार मुक्ति स्थान के द्वार कैसे खुलते और कैसे लोगों को मुक्ति मिलती। तो ब्रह्मात्माएं नश्वर जगत को देख रही है तो उसका मुख्य कारण ये भी है कि नश्वर जगत के जीवों को अखंड मुक्ति का मार्ग दिखाना है, तो उनके लिए ही ये ज्ञान वगैरह ब्रह्मात्माओं के द्वारा आया है। ब्रह्मात्माएं तो इससे जागृत होंगी और दूसरों को मुक्ति मिलेगी। जो दीदार ना होता दुनी को, यदि दुनिया को ऐसे दर्शन नहीं होते तो क्यों करते इमाम इमामत। कते परंपराओं में इस प्रकार से लिखा है कि कयामत के समय पर परमात्मा खुद आएंगे और उस समय उनके साथ इमाम होंगे, तो वो सब पर इमामत करेंगे का तात्पर्य सब पर अपना आदेश चलाएंगे, सबको उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे। तो दुनिया को ऐसे दर्शन नहीं होते तो उनके उनके उपदेश कैसे देंगे बिना दर्शन। क्यों जानते क्यामत को जो जाहिर ना होती निश्वत, यदि ये ब्रह्मात्माओं का संबंध पता प्रकट नहीं होता तो ये कयामत कैसे प्रकट होता, कयामत का समय कैसे आता। इसलिए ये सारे संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बात को समझें तो किसी को कहीं संदेह रहेगा ही नहीं। अर्श बका द्वार न खोलते तो क्यों होती सिफायत मोहम्मद, यदि परमधाम के द्वार नहीं खुलते कयामत के समय में तो रसूल मोहम्मद ने पहले से कहा था कयामत के समय में ये सब होता होगा, तो उनका उनकी बात सत्य कैसे होती। सिफायत तो उनकी महिमा इस अर्थ में, तो उनकी बात सत्य होगी तो लोग मानेंगे ना हाँ ये बात पहले कही थी। हक के कौल सबे मिले जो काफर करते थे रद्द, तो पहले जो बताए हुए वचन थे परमात्मा के वो सारे अभी इस समय सब मिल रहे हैं, सब का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जिनको काफर कुफर वाले अविश्वासी लोग रद्द करते थे कि नहीं ये ठीक नहीं है ऐसा मानते थे, वो सारी बातें अभी स्पष्ट हो गई है, इसलिए सबको पता चलने लगा। कया अबल मोहम्मद ने हक अमर अद सूरत, पहले रसूल ने पहले से कहा था हक हक सूरत, परमात्मा है अमरद सूरत है, उनका स्वरूप है पूर्ण यौवन वाला है, ऐसा उन्होंने पहले कहा था। मैं देखी अर्श अजीम में पहुंचा बक्का बीच खेलवता, मैंने ये स्वरूप परमधाम में देखा है और मैं तो उनके सम्मुख पहुंचा था, उनके निकट पहुंचा था। हाउ जो ये बाग जानवर जल जीमी अरस मोहलात, जो भी परमधाम के दृश्य हैं वो ताल है, नदी है, बाग जानवर, जल भूमि और परमधाम के महल मंदिर वगैरह और अनेक देखिए न्यामतें गुज जायर करी कई बात, तो अनेक प्रकार के नियामतें देखी हैं और उन सब गूढ़ बातों को जाहे स्पष्ट करके बता दिया है। इस तरह से उन्होंने पहले बोला था, ये बात क्यों बोलते ब्रह्मात्माओं के लिए तो बताया,
तो ब्रह्मात्माएं अभी आई है और वही इस बात को समझती हैं, ये कहना चाह रहे हैं। सो वर्णन हुई हक सूरत जासो मोहम्मद करे मजकूर। जिनके साथ में रसूल ने बात की है वो परमात्मा का स्वरूप दुनिया में अभी प्रकट हुआ है, वो बता दिया गया है। 90,000 अरब सुने नूर पार पहुँच हजूर। रसूल ने नूर से परे पहुँच करके पूर्ण ब्रह्म के हजूर में पहुँच करके 90,000 अरब सुने थे। वो सारी बातें अब स्पष्ट हो रही है। हक हुक्मे कछु जाहिर किए, तो जैसे बात बताई और कुछ के लिए हुक्म किया, ये बात जाहिर कर देना, और छिपे रखे हुक्म और कुछ बातों को उनके आदेश से ही छिपा करके रखा। सो हुक्मे अबल आखर को अब जाहिर किए खसम। उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के उसी आदेश के द्वारा, तो जो पहले बात बताई गई थोड़ी सी और जो बाकी रखी थी वो अभी स्पष्ट हो रही है। सब कोई कहे खुदा एक है, दूजा कहे न कोई, हर कोई कहते हैं कि परमात्मा एक है, दूसरा तो है ही नहीं, ऐसा सब कहते हैं। कलाम अल्लाह कहे एक खुदा, अल्लाह कलाम भी, कुरान भी परमात्मा को एक ही मानता है। और दूजा बरहक मोहम्मद होए, दूसरी बात वो मोहम्मद को श्रेष्ठ मानते हैं, मोहम्मद सत्य है उनका संदेश देने वाले, तो ये बात मानते हैं। सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से, वही मोहम्मद जिसको ये कुरान को मानने वाले कहते हैं कि एक खुदा है और दूसरे मोहम्मद हैं, तो वो क्या कहते हैं, तो कहे मैं उन ब्रह्मात्माओं में से हूँ, ऐसा वो कहते हैं। मैं उम्मत से, मुझसे है उम्मत और वो ब्रह्मात्मा मुझसे हैं, इस तरह से वो कहते हैं। मैं उम्मत बिना न पी सकूं और हक हजूर शरबत। मैं उन सब आत्माओं के बिना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास में जाकर के उनके प्रेम का पान नहीं कर सकता, इस प्रकार से वो बात उन्होंने बताई। तो वो ब्रह्मात्मा कौन है उसको समझना तो चाहिए, तो ये कोई समझ नहीं पा रहे हैं। खुदा एक मोहम्मद शायद, तो रसूल मोहम्मद साक्षी बने और उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है। मसहूद है उम्मत, और उम्मत है ये मसऊद शब्द है, मूल रूप से हुद नहीं है, मसऊद। मसऊद का तात्पर्य होता है नेक, अच्छे भले। तो ब्रह्मात्माएं उम्मत है, वो बहुत भले लोग हैं। ये तीनों अर्श अजीम में और ये तीनों परम धाम में हैं। ये बाहेदत्त बीच हकीकत या अद्वैत भूमिका में ही रहते हैं। कौन कौन? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मोहम्मद और उम्मत। तो अब ये मोहम्मद किसके लिए कहा? तो जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का काम करते हैं उनके लिए कहा। तो ये एक उपाधि वाला शब्द है, तो ये नाम वाला नामवाची शब्द नहीं है, अभी सबने नामवाची बना दिया। तो परमात्मा जब का कोई काम करे तो वो मोहम्मद कहलाए। तो अब ये अब यहाँ कह रहे हैं वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना, तो ये वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्मा है, उनके लिए बताई हुई बातें हैं, तो लोग ये समझ नहीं पाए, ये कहना चाह रहे हैं। ये उपले माय ने तीन कहे और चौथा नूर मकान, बाह्य दृष्टि से तीन कहे गए, वास्तव में एक ही है, और चौथा नूर मकान, और चौथा कहेंगे तो अक्षर अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म। ये बातें मार्फत की सब बातें हैं, वो ये उसमें ब्रह्म ज्ञान की बात है, ब्रह्म विद्या है। सब मिल एक सुभान, सारे मिलकर के एक ही परमात्मा होते हैं, ये एक पहचानेंगे तो ये पहचान की बात है। तो वो कहते हैं देखो अक्षर ब्रह्म भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग है, उनसे अतिरिक्त तो नहीं है। श्यामा जी ब्रह्मात्माएं भी उनके सारे मिलकर के एक ही होते हैं, वो अलग है ही नहीं। रसूल ने एता इत जाहिर किया, रसूल ने इतनी बात यहाँ इसलिए कही और हरफ रखे छिपाए और
थोड़ी सी बात कही और बाकी सब छिपा करके रखा, तो उसका कारण क्या है? हकम मेला बड़ा हो ऐसी सोकर से जाए रखेलवत आए। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे दुनिया में, तो उस समय ये सारी बातें स्पष्ट करेंगे। जो रसूल मोहम्मद के लिए आदेश ही नहीं था कि तुम्हें ये बात बतानी है, तो लोगों को एक तब तक किस प्रकार से काम करना है उतनी बातें उनको समझा दी थी, किंतु अभी कोई इस बात को समझ नहीं रहा है, ये बताना चाह रहे हैं। चलो अभी के प्रश्न को ये रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सो कर सी जाय खिलवत आए, रसुले ताईत जाहिर किया, और हर पर के छिपाए, हक मेला बड़ा होए सी, सो कर सी जाहिर खिलवत आए, सो कर सी जाहिर खिलवत आए। Mm-hmm.